या तो फिर बहती नदियों की रेत छानकर। देखिए कुछ ऐसे इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट में छान के इसमें से सोने के कंकड़ निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे यह सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि अफ्रीका में है। यहाँ सबसे पहले तो छोटे बड़े सोने के जो टुकड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं, उन्हें समान आकार के दाने या ग्रेनुल्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले इन अनइवन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाएगा। अब वो कंकड़ पत्थर की शक्ल का जो गोल्ड था वो कुछ इस टाइप से समान आकार के ग्रेनुल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, बात करें सोने की ईंट बनाने की तो इसकी दो टेक्निक्स होती है। एक तो पुरानी है, पहली टेक्निक में उन ग्रेन्यूल्स को इस बॉक्स में डाल के हीट चेम्बर में भेजा जाता है। कुछ चंद मिनट के बाद हम पाएंगे कि ये एक प्लेन बिस्किट या ईंट की शेप में बाहर आ जाता है। और अब इसे ठंडा करने के लिए कुछ टाइम पानी में ऐसे छोड़ देते हैं। अब बारी आती है इन पर होल मार्क सील लगाने की। तो ये ऑटोमेटेड होल मार्किंग मशीन वो काम भी पलक झपकते ही निपटा देती है। अच्छा, कई बार ये जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ये बाय मिस्टेक गलत शेप में बन जाते हैं, तो इनका अब करें क्या? तो इन्हें फिर से पिघला के एक बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। अच्छा भाई, ये तो हुई बात सोने के बिस्किट और ईट की। अब जरा देख लेते हैं गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले कारीगरों के लिए एक छोटी सी चेन बनाना, या एक छोटी सी चेन बनाना भी बड़ा पापड़ बेलने वाला काम हो जाता था। सबसे पहले तो सोने के टुकड़ों को पिघला के उसकी एक छोटी सी रॉड बनाना पड़ता था। अब इस रॉड को एक रोलर मशीन में बार बार अंदर बाहर करके इसे एक पतले से तार के साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वैसे अभी ये तार कुछ पतला सा नहीं दिख रहा है ना, तो पुराने टाइम की इस अनोखी डाई मशीन की हेल्प ली जाती है यहाँ पे। पहले इस तार को बड़े छेद से खींचते हैं, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद और छोटे, फिर उसके बाद और भी छोटे छेद से खींच खींच के इसे पतले तार में बदल लिया जाता है। अब इस तार को ऐसे लपेट लपेट के कॉइल नुमा आकार देने के बाद इसे काटा जाता है कुछ ऐसे। देखो काटने के बाद कैसे ये छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब इन रिंग्स को आपस में एक एक करके जोड़ा जाता है और साथ ही साथ आग से इनके जॉइंट्स भी पक्के करते रहना होता है। वही हम बात करें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी होती है। जॉइंट देने से लेकर डिजाइनिंग तक हर काम कितनी आसानी से हो जाता है आप खुद देख लीजिए। बधाई।